अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओपन वर्ल्ड फ्रेमवेयर के अंदर हम कैसे इसको रिपीटर मोड या फिर रेंज एक्सटेंडर के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन वर्ल्ड की फ्रेमवेयर अगर आपने किसी भी राउटर के अंदर इंस्टॉल की है तो हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने राउटर का IP देना है, उसके बाद एंटर का बटन दबाना है। सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो करना होता है अपने राउटर की IP, मेन IP जो होती है 1.1 होती है, इसको चेंज करना होता है। तो हम सबसे पहले इंटरफेस में जाएंगे IP चेंज करने के लिए, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। इंटरफेस एडिट में लैन वाले सेक्शन को एडिट किया तो यहाँ पे उसकी IP आ गई। यहाँ पे हम इसकी IP को कोई भी अपनी मखसूस करदा IP दे देंगे जो कि बनिस्बत दूसरों से मुख्तलिफ हो। उसके बाद सेव एंड अप्लाई करेंगे, इंतज़ार करेंगे ताकि राउटर अपनी IP सेव कर ले और दोबारा से नई IP ले ले। तो ये ठंडी कर रहा था अभी अभी इसने ये नई IP इसकी आ चुकी है। तो अभी हम वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। अच्छा, जब भी आप IP चेंज करेंगे तो ये आपको कहेगा फेल टू कंफर्म अप्लाई विद इन 30 सेकंड वेटिंग फॉर रोल बैक। होता ये है कि हमारा ब्राउज़र जो है इसको रिफ़्रेश नहीं करता, तो आपने जब ये दोबारा वापस आ गया, ये देखें दोबारा वापस इसी IP पे 1.1 पे ऑनलाइन हो चुका है। तो आपने इसे अप्लाई अनचेक करना है। यूँ ही आप अप्लाई एंड चेक करेंगे ये दोबारा अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए शुरू हो जाएगा। अभी हम इंतज़ार करेंगे। ये 5 स्टार्ट दोबारा उसने अपनी IP चेंज कर ली। तो अभी हम इसको 5.1 पे खोलेंगे। ये आ गया जी, लॉगिन करेंगे। अभी क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड कोई सेट नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने पासवर्ड भी अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। तो अभी अब हम जाएंगे वायरलेस के अंदर, वायरलेस के अंदर मास्टर, यहाँ पे आपको मास्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने इसको एडिट करना है, अगर आप चैनल कोई बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से आपने इसका जो कंट्री रीजन होता है वो चेंज करना होता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट है तो आप ऑस्ट्रेलिया कर देंगे तो आपके 1 से 13 तक जितने चैनल होंगे सारे ही आएंगे। तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेव एंड अप्लाई। थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि वाईफाई में कॉन्फ़िगरेशन ये सेव हो चुके हो सके। अभी इसको हम स्कैन करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है वायरलेस, ज्वाइन करेंगे इसको। इसकी हम यहाँ पे की लगाएंगे। सॉरी फ्रेंड, मैं अपनी की भूल चुका हूँ, दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ इसको याद करने की। तो ये की लगी हुई है मेरे पास, मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और हमने इसको सबमिट कर देना है। ये अनसेव चेंजेस आ रही हैं, ये आपने चेक कर लेनी है आपने क्या क्या किया है, उसके बाद सेव एंड अप्लाई कर देना।
थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आप। ये आ गया, कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन अप्लाइड। तो अभी आप इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला वायरलेस क्लाइंट वायरलेस जो अभी हमने बनाया है वाईफाई के ऊपर, तो उसका आ गया डेटा सारा। ये उसका आईपी एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ चुका है कि ये उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो बाकी आप डिलीट कर देंगे ये सब। इसी तरह ये भी डिलीट कर देंगे आप। अभी ये देखें, ये मेरे लोकल एरिया पे नेट आ चुका है। इसको मैं डिस्कनेक्ट भी कर देता हूँ तो नेट मेरा आ रहा है, ओके हो रहा है। तो अभी ये एज अ क्लाइंट वर्किंग में है, तो ये सिग्नल खुद दे नहीं रहा। अभी हमारे पास ये वाले आ रहे हैं, ओपन वर्ड का भी आ गया है। तो ओपन वर्ड को हमने मज़ीद मास्टर, ये मास्टर को हमने अभी मज़ीद चेंजिंग करनी है इसके अंदर। इसके अंदर हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एक्सेस पॉइंट पे लगा हुआ है, तो हमने इसको अपना नाम देना है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका, ओपन वर्ल्ड ABC। और वायरलेस सिक्योरिटी पे ये मिक्स मोड पे चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी रख लें। यहाँ पे आपने की भी देनी है, तो ये उसके बाद आपने इसको सेव एंड अप्लाई करना है। ये हम जिस क्लाइंट पे जिस पे वायरलेस पे कनेक्टेड है, तो ये उसके सिग्नल्स वगैरह, उसकी MBPS और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि जी मैं इस एक्सेस पॉइंट के साथ एज अ क्लाइंट कनेक्टेड हूँ और मेरे ये सिग्नल्स वगैरह हैं। अगर इसी तरह मैं अपना कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ये सिग्नल आ चुके हैं ओपन वर्ट, और पासवर्ड भी इनको लग चुका है ओपन वर्ट ABC के नाम पर। कनेक्ट करना है, पासवर्ड देना है, यहाँ पे भी कनेक्टेड हो चुका है वायरलेस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बता रहा है, ये डेस्कटॉप हमारा एक कनेक्टेड हो चुका है, एक क्ला यानी कि एक इस पे मास्टर वाले पे भी कनेक्टेड हो चुका है। तो नेट जो है हमारा वर्किंग में चल रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी मोबाइल पे कनेक्टेड करना चाहूँ, तो सेम तरीक़ाकार है। आप अपने मोबाइल वगैरह किसी चीज़ के साथ भी कनेक्टेड इसी तरीके के साथ हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।